जी हाँ दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच खेला जा रहा है आईपीएल 2021 का मैच नंबर 21। इस सीजन में दोस्तों अब तक एक सुपर ओवर देखने को मिल चुका है, कई सारे ऐसे धमाकेदार मुकाबले देखने को मिल चुके हैं जो धड़कने सांसें थाम देने वाला था। लेकिन पिछला जो मैच हुआ था दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस हैदराबाद का, वो सुपर ओवर बहुत शानदार रहा था। कुछ ऐसे ही मुकाबले की उम्मीद करेंगे इस मैच से भी दोस्तों। कोलकाता नाइट राइडर वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच ये मुकाबला हो रहा है। आपको बता दें कि जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता तो आप दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बन जाते हैं, क्योंकि आप सिर्फ पाने की ओर देखते हैं, खोने के लिए तो आपके पास कुछ बचा ही नहीं। वही हाल है दोस्तों इस समय पॉइंट्स टेबल में कोलकाता नाइट राइडर का, उनके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, क्योंकि देखा जाए तो पॉइंट्स टेबल में एकदम 8वें नंबर पर दिख रही है, उससे नीचे कोई पायदान नहीं है दोस्तों इस पॉइंट्स टेबल में। और उसके बाद 5 में से 4 मैच हार कर एक ही मैच जीती है, वो भी पहला वाला, इससे ज़्यादा बुरी बात क्या होगी। लेकिन पंजाब किंग्स की ओर इशारा करें दोस्तों तो पंजाब किंग्स 5वें पर है, अच्छी पोजीशन में दिख रही है, इस सीज़न वापसी भी कर सकती है, प्लेऑफ तक जगह बना सकती है, क्योंकि 2 मैच जीत चुकी है, 5 में से 9 मैच बचे हैं। अगर 9 मैच में भी 6 से 7 मैच जीत जाती है तो प्लेऑफ में जगह बना लेगी अच्छे नेट रन रेट से। लेकिन दोस्तों बात करें आज के मुकाबले की, कि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला करे हैं यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर के कप्तान इयॉन मॉर्गन। दोस्तों जब गौतम गंभीर इस टीम की कप्तानी करते थे तो टीम एकदम अलग ही नज़र आती थी, और उसने 2 खिताब भी गौतम गंभीर की कप्तानी में जीते थे। उनसे पहले सौरभ गांगुली कप्तान हुआ करते थे, लेकिन गौतम गंभीर की कप्तानी में टीम कुछ अलग निखर कर आई थी। लेकिन उसके बाद दिनेश कार्तिक के हाथ में कप्तानी की बागडोर थमा दी गई थी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि दिनेश कार्तिक ने काफ़ी सारे प्लेयर को रिलीज करना शुरू कर दिया, जैसे मनीष पांडे हो गए, यूसुफ पठान हो गए, शाकिब अल हसन हो गए, ये सब अलग अलग टीमों में चले गए, यहाँ तक कि गौतम गंभीर को भी टीम से निकाल दिया गया था। उसके बाद वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए कुछ साल खेले थे, लेकिन फिर उन्होंने संन्यास लेने का फैसला कर लिया था। अब यहाँ पर देखें दिनेश कार्तिक की, जब पिछले सीजन 2 सीजन में खराब कप्तानी देखने को मिली और टीम प्लेऑफ तक पहुँची थी एक बार कप्तानी में, लेकिन दूसरी बार कप्तानी में प्लेऑफ तक नहीं पहुँची, तो उनकी जगह सीजन कप्तान बना दिया गया इयॉन मॉर्गन को। पिछले आधे सीजन में ही बना दिया गया था, लेकिन आधे सीजन में इयॉन मॉर्गन क्या ही करते, लेकिन इस सीजन शुरुआत से कप्तानी कर रहे हैं और कप्तानी के नजरिए से देखा जाए तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन टीम का जो शुरुआती टॉप ऑर्डर है और गेंदबाजी का पक्ष है वो बहुत कमजोर नजर आ रहा है दोस्तों, जहां पर शुभमन गिल और नीतीश राणा से वो शुरुआत नहीं मिल पा रही टीम को जो चाहिए होती है, और खुद कप्तान इयॉन मॉर्गन के बल्ले से रन नहीं आ रहे, ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी बनी हुई है। दूसरी तरफ गेंदबाज डेथ ओवर में गेंदबाजी करते वक्त ज्यादा विकेट हासिल नहीं कर रहे। आज के मुकाबले की अगर प्लेइंग 11 की बात करें दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर की, तो नीतीश राणा, शुभमन गिल हमें देखने को मिल रहे हैं, राहुल त्रिपाठी हैं, और सुनील नरेन भी आज देखने को मिल रहे हैं। लग रहा था कि सुनील नरेन की जगह यहां पर कप्तान मॉर्गन, लॉकी फर्ग्यूसन या फिर बैन कटिंग की ओर देखेंगे, लेकिन ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम का मैदान है, यहाँ पर धीमी गति के गेंदबाज यानी स्पिनर के गेंदबाजों का बोलबाला रहता है, तो सुनील नरेन को इसी वजह से खिलाना पसंद करा। इयॉन मॉर्गन खुद है, दिनेश कार्तिक, आंद्रे रसल, पैट कमिंस, शिवम मावी, प्रसिद्ध कृष्णा और वरुण चक्रवर्ती नजर आ रहे हैं। आप सभी को बता दें दोस्तों टॉस जीतकर यहाँ पर कप्तान मॉर्गन ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था, वी आर गोइंग टू बॉल फर्स्ट एक्सलेंट ग्राउंड एंड गुड आउटफील्ड, यानी कि जो उसकी बाहर की मैदानी की पिच है वो भी काफ़ी तेज है, तो यहाँ पर रन बनाने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। इसी के साथ साथ इन्होंने कहा कि हम एकदम सेम टीम के साथ खेलेंगे जो पिछले मुकाबले में हारी थी, अगर वो हार भी गई तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को इन 11 खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है। इसके साथ उन्होंने कहा कि अब मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो मैं लूज कर सकता हूँ सीजन, अब सिर्फ मेरे को पाना ही पाना है। वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू टर्न इट द राउंड, वी नाउ इट कैन चेंज क्विकली, यानी इनको बहुत जल्द बहुत बड़ा बदलाव करना ही होगा। दूसरी तरफ अगर केएल राहुल की तरफ देखें तो उन्होंने कहा, इट्स अ न्यू वेन्यू एंड न्यू पिच, यानी कि एक नया मैदान है, एक नया सफर यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम दोस्तों इसी साल बनकर तैयार हुआ था, जहां पर आपने इंग्लैंड वर्सेस इंडिया की सीरीज इसी मैदान पर देखी थी, जो पहली सीरीज थी जो इस मैदान पर खेली गई थी। उसके बाद आईपीएल के मैचेस खेले जाएंगे इस मैदान पर, और इसी मैदान पर खबरों के मुताबिक आईपीएल का फाइनल भी खेला जाएगा। दोस्तों आपको बता दें उन्होंने टॉस हारने के बाद यह कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, यह तो चलता रहता है, कोई जीतता है कोई हारता है। साथ ही उन्होंने मैच में आ रहे दर्शकों को लेकर एक बात कही, उन्होंने कहा कि इस समय जो महामारी बाहर देश में फैली हुई है, मैं सबसे यही विनती करना चाहता हूं, सब अपने आप को सेफ रखें, सुरक्षित रखें। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैदान में दर्शक होते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन, काफ़ी ज़्यादा उत्साह मिलता है, लेकिन अगर दर्शक नहीं हैं इस समय जो हालात हैं तो मैं और भी ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि सब अपने घर में सुरक्षित रहें। अब दोस्तों यहाँ पंजाब किंग्स की भी अगर प्लेइंग 11 की बात कर ली जाए तो वो बहुत दमदार दिख रही है। साथ ही आपको बताएं दोस्तों इनसे पहले हेड टू हेड मुकाबले के बारे में, कि कोलकाता नाइट राइडर वर्सेस पंजाब किंग्स के अब तक हेड टू हेड मुकाबले कितनी बार हुए हैं और कितनी बार जीत हासिल करी है पंजाब किंग्स ने, जो दोस्तों अपने आप में ही एक हैरान कर देने वाला आंकड़ा है जो आपको सब साफ कर देगा। इतना बुरा खराब प्रदर्शन किसी टीम के खिलाफ शायद ही किसी टीम का रहा होगा, क्योंकि जो पंजाब किंग्स वर्सेस
कोलकाता नाइट राइडर के हेड टू हेड देखने को मिल रहे हैं। वो टोटल दोस्तों यहाँ पर 27 मुकाबले दिखा रहे हैं कि आईपीएल इतिहास में अब तक इन टीमों के बीच हुए हैं, जिसमें 9 मैच में पंजाब किंग्स जीती है और 18 मैच में कोलकाता नाइट राइडर, यानी कि एक तिहाई बढ़त बना रखी है कोलकाता नाइट राइडर ने। अगर बदला इस मुकाबले में ले भी लेती है जीत के साथ तो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी कोलकाता नाइट राइडर का, क्योंकि 9 मैच पीछे चल रही है पूरे सीजन में मिलाकर। उसी के साथ अगर बात करें सबसे अच्छे एवरेज स्कोर की तो वो 162 तक का एवरेज स्कोर इन दोनों टीमों के बीच खेलते वक्त बन जाता है। आज के मुकाबले में देखते हैं क्या होता है। उसके बाद दोस्तों बात करें सबसे बेहतरीन खिलाड़ी की तो पिछले सीजन मनदीप सिंह बहुत ज्यादा रन बनाते नजर आए थे कोलकाता नाइट राइडर के खिलाफ आखिरी मुकाबले में। पिछले सीजन इन टीमों के बीच 2 मुकाबले हुए थे यूएई के मैदानों पर, जहां पहले मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर ने जीत हासिल करी थी और दूसरे मुकाबले में पंजाब किंग्स ने उनसे अपना बदला ले लिया था। उस मुकाबले में दोस्तों मनदीप सिंह और क्रिस गेल का एक तूफान आया था। पिछले साल दोस्तों पंजाब किंग्स का बैटिंग ऑर्डर थोड़ा बहुत डगमगाया सा नजर आ रहा था। आधे सीजन मयंक अग्रवाल और केएल राहुल ने ओपनिंग करी थी, उसके बाद आधे सीजन मनदीप सिंह और केएल राहुल ओपनिंग करते नजर आए थे, और उसके बाद हमने देखा था कुछ मुकाबलों में क्रिस गेल भी नंबर वन पर बल्लेबाजी करने आए थे। लेकिन इस साल टीम बहुत संतुलित दिख रही है कागजों पर भी मैदान पर भी। 3 मुकाबले हार चुकी है, लेकिन वो हार ज्यादा निराश करने वाली नहीं है, ज्यादा बड़े मार्जिन से नहीं हारी, लेकिन हार तो हार होती है और 2 पॉइंट्स का खेल होता है। पंजाब किंग्स की अगर प्लेइंग 11 की बात करें दोस्तों तो मयंक अग्रवाल, क्रिस गेल हमें वही ओपनिंग करने को देखने को मिलेंगे, दीपक हुडा, निकोलस पुरन, मोइसेस हेनरिक्यू, शाहरुख खान, क्रिस जॉर्डन, यानी कि यहां पर एक वापसी कराई गई है क्रिस जॉर्डन की। ये हो सकता है कि मैदान को देखते हुए कराई गई हो क्रिस जॉर्डन की वापसी, लेकिन देखना दिलचस्प होगा ये कितने कारगर साबित होते हैं अपनी टीम के लिए। दूसरी तरफ मोहम्मद शमी, रवि बिश्नोई और अर्शदीप सिंह हमें देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों क्रिस जॉर्डन से पहले एक ऑलराउंडर खिलाड़ी खेल रहा था जो धीमी गति का गेंदबाज था एक तरीके से देखा जाए, फैबियन एलन, और अच्छी बल्लेबाजी भी करता था, लेकिन जब मौका मिला बल्लेबाजी का तो कुछ कमाल नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से क्रिस जॉर्डन की तरफ जाना पसंद करा केएल राहुल ने। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि आज के महामुकाबले में क्या कुछ हमें खास देखने को मिल सकता है। पहला तो ये है कि ये मैदान पहले ही सबके लिए नया है, यानी कि जितने भी ये खिलाड़ी हैं उनमें से कुछ ही खिलाड़ी टीम इंडिया की तरफ से खेले होंगे, और अगर टीम इंडिया की तरफ से खेले होंगे तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच पर उन्होंने पहली बार खेला होगा। लेकिन आईपीएल के मैदान में अलग जर्सी है, अलग रोमांच है, अगर इस स्टेडियम में खेलते हैं तो उनको अलग मजा आएगा। एक स्कोर बड़ा बनते वक्त नहीं देख सकते दोस्तों, क्योंकि ये मैदान बहुत बड़ा है, इसकी आउटफील्ड बहुत तेज है। अगर देखा जाए धीमी गति के गेंदबाज बहुत हावी रहते हैं, जहां पर हमने रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल को इस मैदान पर गेंदबाजी करते देखा था, वो पूरी तरीके से आक्रामक गेंदबाजी कर रहे थे, और जो टेस्ट मैच 5-5 दिन की हुआ करते थे वो टेस्ट मैच दोस्तों 2-3 दिन में खत्म हो रहे थे इस मैदान पर। तो आप सोच सकते हैं कि ये मैदान कितना अनुकूल है गेंदबाजी के लिए। लेकिन वो मैदान दोस्तों दिन के वक्त इस्तेमाल किया जा रहा था, यानी डे नाइट टेस्ट खेला जा रहा था, तो दिन वाला मुकाबला हो रहा था, तो हो सकता है कि दिन के मुकाबले में पिच ज्यादा एकदम कह सकते कड़क हो गई, उसी वजह से स्पिनर को फायदा मिल रहा हो और रात के समय अलग फायदा मिलेगा, तो बात अलग है दोस्तों। तो यहाँ पर अब बात कर ली हेड टू हेड मुकाबले की, और अगर आपको बताएं कोलकाता नाइट राइडर के सबसे खतरनाक बल्लेबाज की जो पंजाब किंग्स के खिलाफ हो जाता है वो है आंद्रे रसल। जी हाँ दोस्तों, यही उम्मीद करते हैं, कोलकाता नाइट राइडर के खिलाफ हमेशा खड़े दिखाई दिए हैं आंद्रे रसल और अच्छे खासे रन बनाते दिखाई दिए हैं। आज के मुकाबले में उम्मीद करेंगे इनको ऊपरी क्रम पर बल्लेबाजी कराई जाए और कम से कम 8 ओवर इनको खेलने का मौका मिले। फर्स्ट इनिंग और मैच हाईलाइट के साथ दोस्तों हाजिर होते हैं इस मैच के खत्म होने के बाद। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।